अभी अध्यापक जो शिक्षा का काम करते हैं उन्होंने बताया और अर्धनग्न रहकर उन्हें धरना प्रदर्शन किया, यहाँ पर फ्लैग मार्च किया और अपने बात को संबंधित अधिकारी संबंधित मंत्रियों तक पहुँचाने का काम किया। उसी कड़ी के अंदर जो महिलाएं हैं जो शिक्षा का काम करती हैं और पढ़ाती हैं जिन्हें स्कूल के अंदर होना चाहिए था, आज वो दिल्ली के अंदर भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। मैडम आपका नाम? सुषमा खेमसरा, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। मैडम जी आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आप कहाँ से आई? मैं उज्जैन जिले से बिलोंग करती हूँ, उज्जैन से। आने का क्या कारण है? पिछले 20 सालों से हम अन्याय और शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए, जो मध्य प्रदेश शासन हमारी मांगें पूरी नहीं करने कर रही हैं उसको पूरा करवाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार करने के लिए हम यहां पर आए हैं। 20 साल बता रही हैं और 20 साल से आप अपनी गुहार प्रधानमंत्री से कर रहे हैं, क्या कारण है आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है? बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो हमारी मध्य प्रदेश शासन ने आज तक पूरी नहीं की है, जैसे शिक्षा विभाग में सविलियन। शिक्षा विभाग में यदि एक कोई गुरु है, अध्यापक है जो गुरु का काम कर रहा है, उसका शिक्षा विभाग में सविलियन होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन वहाँ पर शिक्षा विभाग में हमको न लेते हुए एक पंचायत का और एक नगरी निकाय का कर्मचारी बना के रखा है और सारा काम शिक्षा विभाग का लिया जाता है हमसे। हम चाहते हैं कि हमारा शिक्षा विभाग में सविलियन कर दिया जाए ताकि शिक्षा विभाग में मिलने वाली जो जितनी भी सुविधाएं है वो हमको प्राप्त हो सके। जब आपका इस विभाग के अंदर चयन हुआ था, आपका सिलेक्शन हुआ था, तो क्या मापदंड रखा गया था, क्या योग्यता रखी गई थी आपकी? यही रखी थी कि अन्य शिक्षकों के भांति सारी सुविधाएं आपको प्रदान की जाएगी जो आज तक हमें प्रदान नहीं की गई। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब सिलेक्शन हुआ, आपका सिलेक्शन हुआ, नियुक्ति हुई, तो उस समय आपकी योग्यता क्या मांगी गई थी? योग्यता तो थी कि आप या तो हाई सेकेंडरी हो, बी ओ, बी कॉम हो, एम कॉम हो और डी एड बी एड हो, जो सारी हम पूरी करते हैं, सारे वेल एजुकेटेड हम लोग। मैडम आप इस बच्ची को लेकर आई हैं, आप कौन से स्कूल में पढ़ाती थी और आज आपकी मजबूरी ये आ गई कि इस छोटी बिटिया को लेकर यहाँ जंतर मंतर पर इसको इस छोटी सी उम्र के अंदर धरना प्रदर्शन करने वाली जगह दिखा दी? मैं सुषमा मौर्य होशंगाबाद जिले से हूँ और मैं प्राथमिक शाला जालीखेड़ा केसला ब्लॉक में पदस्थ हूँ। हम लोगों की मध्य प्रदेश सरकार से ये मांग है कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य महिला कर्मचारियों को CCL का प्रावधान दिया गया है, चाइल्ड केयर लीव का, लेकिन हम अध्यापकों के लिए उन्होंने बाध्य किया गया है, हमें इस अधिकार से वंचित किया गया है और इसी के लिए हमें इस छोटे छोटे से बच्चों को लेकर इन्हें परेशान करके हमें यहाँ पर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देना हमारी मजबूरी हो गई है कि हम इतने छोटे से बच्चों को लेकर आ रहे हैं। क्या हम अध्यापिका, क्या हम माँ नहीं हैं? क्या हमारा हक नहीं है कि हम भी इस सुविधा को प्राप्त कर सकें? जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य महिला कर्मचारियों को ये सुविधा देते हुए अवकाश उन्हें दी है, लेकिन अन्य कर्मचारी जो हैं मध्य प्रदेश सरकार के, वो उन्हें इस सुविधा की आवश्यकता नहीं है। उन सभी के बच्चे 18 वर्ष के ऊपर हो चुके हैं और उन्हें ये सुविधा दी जा रही है और हम अध्यापिकाओं के बच्चे जो कि 1.5 साल के हैं, 2 साल के, 5 साल के हैं, जिन्हें माँ के लालन पालन की बहुत आवश्यकता है, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार हमसे हमारा हक छीन रही है और विगत कई सालों से इस मांग को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है कि आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम ध्रुति नावरे, मैं होशंगाबाद ब्लॉक से हूँ और हम लोग यहाँ पर सभी महिलाएं और अध्यापक साथी हैं, सबके साथ आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगें पूरी करे, हमारा शिक्षा एवं हमें सम्मिलित करे ताकि हम लोगों को भी अन्य शिक्षकों की तरह हमें सुविधा मिल सके। सरकार आपकी मांगों को क्यों माने, क्या कारण है आपकी मांगों को मानने के लिए? ये तो सभी लोग कहेंगे कि हमारी मांगों को माना जाए, तो आपका एक कोई महत्व क्या है जो आपकी मांगों को माना जाए? सर हमारे पास सबसे बड़ा सबूत ये है कि हम लोग अगर पंचायत के कर्मचारी हैं तो हमसे सरकारी जो विभाग के कर्मचारी की तरह क्यों मतलब काम कराया जा रहा है, हमसे शिक्षा विभाग का पूरा काम लिया जा रहा है, हम लोगों को गणना पत्रक चुनाव से लेकर सारी चीज़ें हम लोगों को करना पड़ रहा है, तो फिर अगर हम सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तो हम लोगों से ये काम नहीं, शिक्षा विभाग का काम नहीं लिया जाए। तो ये
ये काम कराने के लिए आपको कौन दबाव देता है कि आपको ये शिक्षा का काम करना है? सर, जब हम लोग शिक्षा विभाग की मांग करते हैं तो हम लोगों से ये कह दिया जाता है कि आप लोग पंचायत कर्मी हैं, और पंचायत वाले जब मन करता है उन लोग हम लोगों से काम ले लेते हैं, और जब शिक्षा विभाग का काम आता है कि चुनाव में आपका चुनाव कराने जाना है या गणना करना है, तो उसमें हम लोगों को बोल दिया जाता है कि आप लोग शासन के कर्मचारी हैं, आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा। नहीं, जब आपने अब चुनाव की बात कही कि चुनाव करने के लिए जाना पड़ता है, जो चुनाव के लिए अलग से स्टाफ जाता है तो उनके लिए एक विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, क्या वो सुविधाएं आपको मिलती हैं? नहीं सर, ऐसी कोई सुविधाएं हम लोगों को कोई प्रदान नहीं की जाती, क्योंकि हम लोग शासन के कर्मचारी है ही नहीं, शिक्षा विभाग से कोई बुलाने ही नहीं करते, क्योंकि हम लोग तो पंचायत कर्मी हैं और हम लोगों को इसी को लेकर मतलब वेतन भी पूरा नहीं दिया जा रहा है, कम वेतन में अधिक से अधिक काम किया जा रहा है, हम लोगों से लिया जा रहा है, तो चपरासी का वेतन भी हम लोगों से ज़्यादा है और हम लोग चपरासी से भी पीछे हैं, कम वेतन पे काम कर रहे हैं। अभी यहाँ नारे लगा रहे थे कि मामा बात नहीं सुन रहे हैं, नाना नहीं सुन रहे, मामा और नाना की जो संज्ञा दी गई है वो किसको दी गई है? सर, हमारे मामा से तात्पर्य है शिवराज सिंह चौहान जी से, जो हम लोगों को बहन मानते हैं और हमारे बच्चों को अपने मामा बताते हैं, भांजा भांजिया बोलते हैं, बोलते हैं हमारे भांजियों के लिए हम ये करेंगे, भांजियों के लिए वो करेंगे, जब बहन के लिए नहीं कर पा रहे वो भांजी भांजियों के लिए क्या करेंगे। और नाना से परिभाषा है कि भाई मामा जब बच्चों की कोई फरमाइश पूरी नहीं करता है तो हम चाहते हैं कि भाई नाना के पास जाए बच्चे, ताकि नाना सुने उनकी बात, तो हम लोग भी उनके नाना से मतलब हमारे पिताजी से बोलने आए हैं कि हमारी मांग सुने और हम लोगों को समझाने में शिक्षा में समझन करने की। आपको आज यहाँ 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन के अंदर क्या मामा या नाना के कोई प्रतिनिधित्व वो आपको किसी तरह के संपर्क करने आए? नहीं, कोई संपर्क नहीं आए करने आए हम लोगों से। अभी कुछ साथी कह रहे थे हमें अमित शाह जी से बुलाया, अमित शाह जी से मिलने जा रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ अपना हाँ थावरचंद जी गहलोत साहब जो माननीय मंत्री हैं यहाँ के, उनसे मिलने के लिए गए थे हम लोग, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आपकी मांग को मध्य प्रदेश शासन तक पहुँचाएंगे। सभी की आशा है कि जिस तरीके से और अध्यापक अध्यापन का काम करते हैं, उसी प्रकार से इन महिलाओं की जो अध्यापक का काम करती हैं, ग्राम पंचायत का जो काम करती हैं, ना घने घने सारे जो अधिक काम दिए जाते हैं, चाहे चुनाव का है, चाहे वो मतगणना का है, चाहे अभी एक साथी ने बताया कि मवेशियों की गिनती करनी पड़ती है, तो इन सब को लेकर इनका एक मानना है कि जो हम अध्यापक हैं और शिक्षा का काम करते हैं तो हमारा सवन में जो है शिक्षा वर्ग के अंदर किया जाए और शिक्षा के साथ किया जाए, जो और सुविधाएं जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं उसी तरीके से वो सुविधाएं हमें भी मिलनी चाहिए, इस तरीके से इनका मानना है। आज इन्हें 4 दिन हो गए और अभी इन्हें किसी प्रकार से कोई आश्वासन नहीं मिला है, तो आगे देखते हैं कि आगे इनका क्या मापदंड रहेगा, हड़ताल का किस तरीके से रहेंगे। और एक बहुत बढ़िया बात बताई इन्होंने कि हम जो भी हड़ताल करते हैं, जो भी धरना प्रदर्शन करते हैं, हम छुट्टी के दिन करते हैं, अवकाश के दिन करते हैं, कि बच्चों का किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, इस तरीके से इनकी मांग जो जायज है और मांग को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज।